फ्रेंड, आज हम लोग 30 फीट बाई 45 फीट का एक हाउस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारे क्लाइंट है, उनकी ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, इस प्लान में हम लोग देखेंगे 4 बेडरूम, एक हॉल, 2 टॉयलेट और एक किचन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं फ्रेंड, इसी मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग को अपने हिसाब से प्लान या डिज़ाइनिंग करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताए, तो इसमें 2 एंट्रेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला एंट्रेंस है और एक साइड राइट साइड में 2 एंट्रेंस है इस प्लॉट की। टोटल साइज 30 फीट बाई 60 फीट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन 27 फीट बाई 45 फीट में किया गया है। ये इसका एंट्रेंस है। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, इसी तरह का प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस करने के साथ ही हमें एक गार्डन मिलता है, जिस पार्किंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 15 फीट बाई 30 फीट का ये पार्किंग है। और हम लोग डायमेंशन वगैरह 2D में भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड, ये हमारा हॉल है, जिसकी साइज 16.6 फीट बाई 13 फीट है, जिसमें हम लोग फॉल सीलिंग लगाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अलमारी इसमें लगी हुई है, जिसमें TV लगी हुई है। और ये हमारा हॉल से पहला बेडरूम है, जिसमें जिसकी साइज़ 12 फीट बाई 10 फीट है, जिसमें एक टॉयलेट अटैच है जो कि स्टेयर केस के नीचे में आएगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आता है और आप तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल करके हॉल में आएंगे। हॉल से हमारा स्टेयर इस साइड में कनेक्टेड है, जिसमें वॉश बेसन रखी हुई है। और ये हमारा फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और, ये बॉक्स है बनाई गई है, जो गली में बॉक्स है, पूरी बॉक्स बनाई गई, जिसमें किचन से और एक बेडरूम से कनेक्टेड है, उसमें डोर दी गई है। आप लोग देखेंगे अभी। और इसकी सारी बेडरूम में हमने छज्जे लगाए हुए हैं, और बॉक्स के लिए भी उसमें वॉल का डिज़ाइन वॉल से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा बॉक्स अलमारी के बगल में देखिए वॉल से बनाया गया है, और छज्जा भी लगाया गया है। तो ये हमारा बेडरूम नंबर 2 था, जिसकी साइज़ 11.6 फीट बाई 10 फीट थी। और ये हमारा किचन है फ्रेंड्स, जिसकी साइज़ 9.8 फीट बाई 8 फीट है, इसमें भी छज्जा बनाया गया है। और वो जो बॉक्स गली में है, उससे इसमें भी कनेक्टेड है डोर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डोर के ऊपर में। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे फुल डोर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से निकल करके ये हमारा गली है, जिसकी साइज़ 5 फीट है। और ये हमारा इस साइड की गली है, जो कि बाहर निकल जाएगा रोड साइड में। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है, जिसकी साइज़ 11 फीट इंटू 12 फीट है, इसमें भी छज्जा लगाया गया। और देख सकते हैं आप, इसमें अलमारी रखने की, अलमारी के लिए अलग से सेपरेट बनाया गया वॉल माउंटिंग करके। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बेडरूम नंबर 3 की ओर चलते हैं, 4 की ओर। ये हमारा बेडरूम नंबर 4 है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा बेडरूम नंबर 4 है। इसकी देखिए, यहाँ पे छज्जे के ऊपर में एक डोर दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बॉक्स की डोर है दोस्तों। इसकी साइज़ है 11 फीट बाई 13 फीट। अब हम लोग किचन का बॉक्स का डोर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये हमारा किचन का बॉक्स है, इसमें भी आप स्टोरेज कर सकते हैं सामान वगैरह। और ये हम यहाँ से निकलेंगे गली में, तो हम भी रोड में आ जाएंगे दोस्तों। इसमें इस प्लान में दो साइड से रोड है, इसीलिए इसको इस तरह से बनाया गया है। एक डोर और आगे में है पार्किंग के पास, हम लोग वो भी देखेंगे। ये हमारा देखिए, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरे फेस में, इसके अपोजिट फेस में 3 फीट का स्टेयर दिया, 3 फीट का स्पेस दिया गया है, जो कि हमारा 30 फीट हो जाएगा। 27 फीट में ये हमारा, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे। 27 फीट में हमारा प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन है। 3 फीट का वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। एक साइड तो हमारा रोड है, दूसरे साइड में जगह दी गई है। ये हमारा टॉप से व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। अब हम थोड़ी देर में 2D प्लान को भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हमारा एलिवेशन कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2D प्लान को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 2D प्लान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी साइज़ 27 फीट यहाँ पे है, और ये 3 फीट का हमारा गली है, और इसकी कंस्ट्रक्शन एरिया 45 फीट का है।
और ये हमारा 15 फीट हमारा पार्किंग है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे फ्रेंड्स। उस एंट्री करने के साथ ही हमें एक बड़ा सा हॉल है ये, जिसकी साइज 16.7 फीट बाई 13 फीट है। उसके बाद ये हमारा एक डोर है, बेडरूम है 12 फीट बाई 10 फीट, जिसमें टॉयलेट यहाँ पे अटैच है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पूरा जो है गली देख रहे हैं आप, ये वाला ये हॉल, ये हमारा बॉक्स में बना हुआ है। इस साइड 5 फीट है, इस साइड 4.8 फीट है। उसके बाद हम लोग, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है जिसकी साइज 8 फीट बाई 5 फीट है। और ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है जिसकी साइज 11.6 फीट बाई 10 फीट है। उसके बाद ये हमारा किचन है जिसकी साइज 8.6 फीट बाई 8 फीट है। और ये हमारा बेडरूम नंबर 3 11 फीट बाई 12 फीट। और ये हमारा बेडरूम नंबर 4 11 फीट बाई 13 फीट। ये हमारा यहाँ से इस साइड में हम आ जाएंगे तो ये हमारा रोड इस साइड भी है। और यहाँ पे भी एक डोर दी गई है इस साइड में पार्किंग में, ताकि इस साइड से भी आ सके। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।